गाइस, अभी हम इमोजी से स्पोर्ट्स के नाम गेस करेंगे, तो फटाफट से ये पहली इमोजी देखो और मुझे स्पोर्ट का नाम नीचे कमेंट में बता दो। देखो मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, लेकिन इतना सा दे सकता हूँ कि जो इसका भाई है वो एक आउटडोर स्पोर्ट है और ये जो है वो इंडोर स्पोर्ट है। बस बस बस, अब तुम लोग को आंसर जल्दी से मुझे नीचे कमेंट में बताना है, तो कमेंट करो। मुझे लगता है सब लोगों ने इसे गेस कर लिया है, काफी इजी है ये। ये है टेबल, ये टेन, ये आई और ये एस, तो मिला देने पे बन गया टेबल टेनिस, जो कि एक इंडोर स्पोर्ट है। यस गाइस, क्या तुम लोगों ने गेस कर लिया था? मुझे पता है कर लिया था, तो अभी के अभी लाइक मारो यार, खुद के लिए लाइक मारो, फ्री है, तुम्हारे भाई को भी खुशी मिलती है तुम लोग का लाइक देख के यार। तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि तुम लोग को वीडियो फटाक से पता चल जाए आ गई है। कर दिया ना, तो चलो अभी सेकेंड वाला देखते हैं। ये भी काफी इजी है, ये भी बता दोगे यार, ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्पोर्ट रही है, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं खेला है। यस, तो फिर अब तुम लोग बता दो जल्दी से। यह आर, ये चेयर, ये ई, तो मिला देने पे क्या बन गया? आर्चरी। आर्चरी यार, धनुष बाण, जो पहले जमाने में तो बहुत ज्यादा हुआ करता था। अभी चलो तुम लोग ये वाला इमोजी से मुझे स्पोर्ट का नाम बता दो। ये भी तुम लोग बता दो कि कोई बड़ी चीज नहीं है, ये भी इजी है तुम लोग के लिए, तो जल्दी से कमेंट करो। देखो ये है बॉक्स और ये गाना गा रहा है, तो वह सिंह, तो मिलाओ मैंने भाई क्या बन गया? अरे पंजाबी वाला सिंह नहीं, बॉक्सिंग। यस यार भाई, तुम लोग तो एक पे एक जवाब दिए जा रहे हो, लगता है तुम लोग फुल ग्रेड मारने वाले हो आज। कितना आंसर्स करेक्ट होता है तुम लोग मुझे कमेंट में बताना है, और तुम लोग को ग्रेड भी मिलेगा अगर तुम लोग भूल गए हो तो। तुम लोग लास्ट वीडियोस देखते आ रहे हो ना? हाँ, तो चलो अभी ये वाला बता दो। हो सकता है काफी लोगों ने इस स्पोर्ट का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए अच्छे से सोच के बताओ मुझे। भाई ये है काइट और ये सर्फिंग, तो बना काइट सर्फिंग। ये देखो इस तरीके से होती है काइट सर्फिंग, क्या तुम लोगों ने देखा है स्पोर्ट को? मैंने रियल लाइफ में नहीं देखा, मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में। तुम लोगों को पहले से पता था इसके बारे में, मुझे कमेंट में बताना। चलो अभी हम लोग इमोजी से नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये हो सकती है थोड़ी सी तुम लोग को टफ लगी, लेकिन तुम लोग बता दोगे तो फटाक से कमेंट करो। देखो पहला वाला इमोजी बता रहा है स्नो, ये है बाई और ये किंग, तो मिला देने पे बन गया स्नो बाइकिंग। भाई जहाँ बर्फ बर्फ गिरती है वहाँ पे बाइकिंग होता है, उसे स्नो बाइकिंग कहते हैं। मैंने तो आज तक बर्फ देखी नहीं है यार, मैं रहता हूँ आसाम में और यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती। भाई जो नॉर्थ में रहते हैं, शिमला, श्रीनगर, जम्मू, भाई वो लोग तो महालकी लोग है, हमें ऐसा नसीब कहाँ। चलो फिर अभी नेक्स्ट वाला इमोजी का बता दो तुम लोग, ये भी तुम लोग के लिए इजी ही है, तो जल्दी से बता दो। देखो ये एक दीवार है तो वॉल, ये ई और ये एक बॉल है, तो मिला देने पे क्या बन गया? वॉलीबॉल। भाई वॉलीबॉल भी मैंने बहुत ज्यादा खेला है यार, मुझे बहुत मजा आता था वॉलीबॉल खेल के स्कूल वूल में, जब भी नेट वेट लगता था वॉलीबॉल का खेलते जरूर थे। भाई तुम लोगों ने खेला है कि नहीं कमेंट में बताना। चलो अभी हम लोग इमोजी से नेक्स्ट वाला देखते हैं। भाई ये वाला बता दो, ये बता दो कि तो मजा ही आ जाएगा। ये स्पोर्ट के बारे में मुझे डोरेमोन, शिनचैन इन सब से पता चला था, भाई इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले, तो अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे, तो फटाफट बता दो। ये है बी,
ये ए का कार्ड है जिसे एस भी कहते हैं और ये बॉल, तो मिला देने पे बन गया बेसबॉल। भाई डोरेमोन में देखा है कि नहीं यार, नोबिता बेसबॉल में कितना खराब है, तुम लोगों ने देखा ही होगा। तो भाई ये बेसबॉल मुझे खेलने का तो बड़ा मन है, मैंने वीडियो गेम से बहुत बेसबॉल खेला है, लेकिन रियल लाइफ में यहाँ इंडिया में कोई भी नहीं खेलता और काफी बड़ा ग्राउंड चाहिए, इतना बड़ा ग्राउंड यहाँ है नहीं। यस गाइस, तुम लोगों ने अगर बेसबॉल खेला है तो यार मुझे बताना, मैं सच में बहुत हैरान हो जाऊंगा अगर तुम लोगों ने खेला, नहीं भी खेला तो भी मुझे बताना, अगर किसी ने खेला तब तो 100% प्लीज मुझे कमेंट में बताना। चलो अभी नेक्स्ट वाला स्पोर्ट तुम लोग मुझे इमोजी से बताओ। ये भी मेरा फेवरेट स्पोर्ट रहा है, मैंने तो इसे एक साल तक सीखा भी था, बहुत मजा आया था, तो तुम लोग इसे जल्दी से मुझे बताओ। देखो ये है बस, ये कैट और ये बॉल, तो मिला देने पे क्या प्रोनाउंस करेगा, तुम लोगों ने कमेंट किया है ना, ये है बास्केटबॉल। मुझे ये भी काफी पसंद था, मैंने कितना महंगा वाला बास्केटबॉल खरीदा भी था यार, वो फट गया यार, अभी भी मेरे पास वो फटा हुआ बॉल है, क्योंकि मेरे लाइफ का फर्स्ट बास्केटबॉल था वो, बास्केटबॉल से अपना एक प्यार जुड़ा हुआ है। गाइस चलो फिर अभी नेक्स्ट इमोजी से तुम लोग मुझे बता दो स्पोर्ट का नाम, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाला इमोजी देख के उस वाले स्पोर्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा अलग स्पोर्ट है, मैं बताऊँ एक हिंट दूँ, या तो तुम कह लो कि ये थोड़े एज्ड लोगों का या फिर जो बड़े लोग हैं उनका स्पोर्ट है, या फिर कह लो तुम अमीर लोगों का स्पोर्ट है। अब तो तुम लोग समझ गए होगे शायद, तो जल्दी से मुझे बता दो। देखो फर्स्ट वाले में बॉल गोल पोस्ट के अंदर जा रहा है तो हुआ गोल, और ये एफ तो मिला देने पे बन गया गोल्फ। हो सकता है बहुत लोगों ने फुटबॉल ही डायरेक्ट गेस कर लिया हो, लेकिन मैं पहले से बोल रहा था फुटबॉल नहीं है, ये गोल्फ है, और कोई मुझे तरीका नहीं दिखा बनाने का। आई होप तुम लोगों ने इसका आंसर किया था, और तुम लोगों ने देखा होगा गोल्फ तो ज्यादातर अमीर लोग ऐसे एक शॉट मारते हैं, दूर दूर तक भागते हैं, अरे बॉल कहां गई। भाई गोल्फ खेल के लोग बोर नहीं हो जाते क्या, बॉल ही ढूंढते रह जाते होंगे, पता नहीं भाई। चलो अभी नेक्स्ट स्पोर्ट पे तुम लोग इमोजी से, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, तो जल्दी से बता दो। भाई ये तो बता दिया होगा, ये पैर है तो फुट, ये बॉल तो बना फुटबॉल, भाई साहब बताया था ना। चलो भाई अभी ये वाला बता दो, चलो भाई अभी ये वाला बता दो, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, क्यों, क्योंकि इंडिया का नेशनल गेम है, सब लोग कमेंट करो। Yes, guys, ये है H.O. और इकी तो बना हॉकी। चक दे इंडिया मेरी फेवरेट मूवी थी, बहुत मजा आया था मूवी को देख के मुझे। हॉकी अपना नेशनल गेम है, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है, सबको पता होना चाहिए, सब लोग अभी भी सोचते हैं क्रिकेट है। गाइस तुम लोगों का आज का स्कोर कितना था भाई, बताना मुझे कमेंट में, और कौन सा स्पोर्ट तुम लोग का फेवरेट स्पोर्ट है मुझे बताना, मैंने तो अपना सारा चीज तुम लोग को बताया, तुम लोग भी बताओ यार, हम लोग एक दूसरे को शेयर करेंगे तभी तो मजा आएगा। और ये वाली वीडियो देखो तुम लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है, तो हम लोग मिलते हैं उस वाले वीडियो में। Till then, bye bye.